क्या बताऊं, ना जाने क्या बात है। हमारे ठाकुर साहब मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं, मुझसे ठीक सी बातें नहीं करते हैं। मुझ में क्या कमी है, आज मैं उनसे जरूर पूछूंगी आखिर क्या बात है। अरे मुन्ना लाल कहाँ गया लंबू भैया? खुश रहो लंबू। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। ये बताइए आखिर क्या बात है, हमारे ठाकुर साहब मुझसे नाराज रहते हैं, ठीक से बातें नहीं करते। अभी का ठाकुरानी साहब आप ही बताए सका तो हमका का पता। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका कारण क्या हो सकता है। अभी यही कारण हम नहीं बता सके। अब का पता शायद कहूँ लगावे वगावे चले जात हुए, यह के कारण हुए। अब एक आप बता सका तो लगावत कि नहीं लगौती। अब यहू का हम नहीं जानी थे भाई। अब हमारे बगल में आवे कबो गंधाए वंधाए तो हम जानी क्या करूं। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, इतने दिन हो गए मुझसे ठीक से बातें नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, आज आवे ठाकुरायन साहब तो आज उनसे क्लियर कह लियो। ठीक है। और बीत जा लरतिया सुहानी बाला मुरवा हटिया बिछाई रउआ कटिया लगाई हटिया बिछाई अपने बलामुआ के लगहु सुताई अपने लगहु ना सुते नारी पाला मुरवा लगहु गोड़ावा दबाई रउआ हथवा दबाई गोड़ावा दबाई रउआ हथवा दबाई अपने बला मुआ के नहीं सुताई बहु ना सुते नारी पाला मुरैया। हेलो ये आगे मान्य श्रीमानो नान बहादुर चौरसिया ये भैया पूरे काजीपट्टी के रहने वाले हैं। उन भाई साहब की तरफ से इस कलाकार पे खुश होकर के ये हमारे ठकुराइन साहब पे खुश होकर के लगा भैया 10 रुपए के नाम पार्टी की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद। आवा हो चंदा मामा आवा हो अंजोलिया आवा हो रे चंदा मामा आवा हो रे चंदा मामा आवा हो अंजोलिया आवा हो रे चंदा मामा पागल आ गई सी जवानी हो पागल आ गई सी जवानी बाला मुरैया हेलो ये आगे मान्य श्रीमान विनोद भाई साहब हरदोइया निवासी लगा भैया
इस सेल की कदर करते हुए लगा भैया 10 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया धन्यवाद। खटिया बिछाई रउआ तकिया लगाई, खटिया बिछाई रउआ तकिया लगाई, अपने बलामुआ के लगहु सुताई, अपने बलामुआ के कबहु न सुते नयनारी हो, कबहु न सुते नयनारी काला मुरवे लगहु सुताई। ये आगे माले श्री मानो जल्दी लाओ भाई, इमरान भाई साहब काजी पटेल निवासी, ये लगा भैया इस सीन की कदर करते हुए लगा भैया ये मोदी छाप 20 रुपए का नाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया धन्यवाद। दे नहीं सकते तो ले लो ना करो भाई। अरे भाई ठाकुर साहब जय राम जी की, बात क्या है मालिक? जय राम जी की। कि आज हमारी कुटिया पर आप पधारे हैं। अरे प्रभु मौर्या, कहो हम तुम्हारे पास कुछ काम से आए हैं। बात क्या है? जरूर बताएंगे। हेलो हेलो, ये आगे मान्य श्रीमान विनोद हरदोइया भाई साहब, विनोद हरदोइया लगा भैया ये 10 रुपए का नाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया धन्यवाद। लेकिन औल्लाह हो तो सुनो, मैं आप से पूछना चाहता हूं, तो बात क्या है बताओ ये खुल कर मुझे, कैसे आना हुआ द्वार पर आज है, कैसे ओ माजरा कुछ समझ में नया था मेरे, कैसे आना हुआ याद कुटिया मेरे, ठाकुर साहब आज राजा भिखारी के घर कुछ बात समझ में नहीं आई सरकार। हम यही तो बताने आए हैं, आपकी गरीबी देख करके हम आपको कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप का खाना पानी आगे को चले। मौर्या जी कहो, एक हमें नौकरानी की जरूरत है, अगर आप चाहें तो आप एक लड़की हमारे यहां बाबू सिंह के यहां भेज दें, भवानी सिंह के यहां। आपका कहने का मतलब है कि मैं अपनी बेटी खुशबू को जमींदार भवानी सिंह के यहां नौकरी करने के लिए भेज दूं? हाँ, इसलिए कि भवानी सिंह की औरत जो है वो दूसरी तरीके से है, वो इस वक्त काम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रही है, और तुम्हारी लड़की रहेगी थोड़ा चौका बर्तन पोछू यही सब लगाएगी,
और तुम्हारी गरीबी भी कट जाएगी। ठाकुर साहब, हम गरीब हैं जरूर, लेकिन गलीच नहीं है। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि हम निर्बल हैं, और मेरे दोनों बच्चे सयाने हो चुके हैं। मेरा बेटा शंकर और मेरी बेटी खुशबू, लेकिन मैं इस संसार में भीख बहन मांग करके इस तैयारी में हूँ कि आ भगवान वो वक्त लाए जब बाप दान करे जिसे सबसे बड़ा दान कन्या दान कहते हैं, और मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। मैं नौकरी नहीं करा सकता हुजूर, गलती क्षमा हो, मैं ऐसा कदाप नहीं कर सकता। अरे काका, यही तरह भीख मांग के तुम हाथ धोके पीला कर लिए हो। बेटा, कहा गया है कि सबसे बड़ी गरीब के पास इज्जत ही होती है, इज्जत से बड़ी दौलत कोई चीज नहीं होती है। और फिर मेरा बेटा शंकर अब बालिक हो गया है, और मैं उससे जब तक कुछ सलाह मशवरा नहीं कर लेता तब तक मैं इस काम के लिए कदाप हाँ नहीं करूंगा। अरे काका देखो, भैया चाहे जितना कमाए, आप चाहे जितना कमाओ, हाथ इस तरह के गरीबी में पीला ना हो पाए। और हुआ का करेन कहे, चौका बासन करे हैं और महारानी जी का उनका देखे है, भले है पानी पिया दी है, बस इतना ही चौका रहे का है। ए बेटा, हाँ, हमारे बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, उन्हें उस लायक बनाते हैं कि वो जिंदगी में संघर्ष कर सके, लेकिन अपने गरीब के यहाँ क्या माहौल है जानते हो? अगर बेटी घर के बाहर गई तो मोहल्ले वाले, गांव वाले, बिरादरी वाले अंगुली उठा देते हैं कि ऐ इसकी बेटी चरित्रहीन है, अरे ये तो घर से बाहर निकल चुकी है, इसके ऊपर दंडित करो, इसे इतना पीड़ित कर दो कि ये समाज में मुंह दिखाने के लायक न रहे। अरे तो काका, महारानी साथे साथे रही है, कहूं दूसरे खिया थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं अपने बेटे शंकर से और अपने परिवार में इस बात की चर्चा करूंगा। अगर मेरे बच्चे इस बात पर राजी हैं तो मैं ठाकुर साहब के कहने पर विचार जरूर करूंगा। चटकल सी रही समझा दिए ना, समझ गए? और सुनो, घर में समझ लेना खूब अच्छी तरीके से, भेज दोगे उसकी शादी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, हम चला था सोच समझ के चले आना। ठीक है भाई, सोच समझ ले हो, अपन सलाह मशवरा कर ले हो, जल्दी आप नाना बन गई हो, ये मामा बन गई है। बाबू साहब, अच्छा हम चलते हैं। मैं यही सुल्तानपुर जिले चमनपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम प्रभु मौर्या है, मेरे पास दो बच्चे हैं, हमारी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया। कहना क्या है, जिंदगी तैसे जैसे तैसे कट जा रही है, और गरीबी का हाल आप देख ही रहे हैं। कोई कभी कुर्ता दे देता है तो कोई कहता है प्रभुआ ये धोती मेरे काम की नहीं है, ले जा, तुझे तन ढकने के तेरे काम आ जाएगी। मेरा बेटा पढ़ रहा है लेकिन मेरे कंधों में इतनी ताकत नहीं कि मैं उसके फीस का भार उठा सकूं। बेटी सयानी हो गई है लेकिन आज भी उसे मैं नए कपड़े नहीं दिला पाता हूं, मांग करके अपना जीवन बिता लेते हैं। मेरे भाई,
इस प्रभु की बात पर सब लोग इतना गौर करना कि कोई भगवान फिर किसी को इस तरह मोहताज न करे और जिंदगी में समाज के सामने सर झुका कर चलने से तो अच्छा है कि ए परमपिता परमेश्वर तू मेरी जिंदगी को ही छीन ले मुझसे, लेकिन क्या करूं। कहते हैं कि समय को काटा जाता है और देखता हूं कि वो परमपिता परमेश्वर मेरी खबर कब तक नहीं लेता है। अब चलता हूं मैं, अपने परिवार से बातें करूंगा और कहूंगा कि बेटे क्या प्रभु भवानी के यहां से ऐसा पैगाम आया है, अगर तू चाहे तो मेरी पुत्री उनके यहां नौकरानी बन जाए। ये बाबू क्या बताऊं, जब गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो कुछ समझ में नहीं आता, सारे अपने दुश्मन में बदल जाते हैं, सारे दोस्त बिखर जाते हैं, अगर रह जाता है तो वो गरीब अपनी मंजिल पर और मंजिल उसे नहीं मिलती। इसलिए मैं चलता हूं, अपने परिवार और अपने बच्चों से बातें करूंगा, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ लिख रहा है और बालिक हो चुका है। अरे का कर बाराई पाई पाई जोड़ के। ए बाबू, अजब लीला है, भगवान जिसे देता है उसे इतना देता है कि वो बटोर नहीं पाता है, और जिससे लेता है उसे इतना भी नहीं देता कि उसका पेट भर जाए। हर के का कर राई राई, अरे पाई पाई जोड़ के। एक दिन उड़ जई है सुगनवा, एक दिन उड़ जई है सुगनवा, अरे पिंजरवा का छोड़ के।